गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेश मेडा फ्रॉम न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास फोर ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, दैट इज यूनिट सिक्स फॉर क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूनिट सिक्स, टेस्ट मेजरमेंट एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, जो हमारी आज की यूनिट है, नई यूनिट है, सिक्स यूनिट हम लोग ले रहे हैं, फिफ्थ तक हमने कंप्लीट किया। तो जो नई यूनिट है उसका नाम है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे टेस्ट क्या होता है, मेजरमेंट्स, और स्पोर्ट्स में किस प्रकार से इस चीज का यूज होता है। टेस्ट, अभी आप ये वर्ड आपके लिए कोई नया नहीं है। ठीक है, आपने सुना भी होगा, आपके टेस्ट होते हैं, एग्जाम में टेस्ट होते हैं, उसके बाद फिर अगर आप किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो वहां पर, अगर आप रेस में भाग ले रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आपकी जो टाइमिंग है या तो फिर आपका जो पोजिशन है वो देखेंगे। तो इस प्रकार से आपका टेस्ट होते रहते हैं, आपकी किसी प्रकार की कुछ एग्जाम हो रही है, किसी कॉम्पिटिशन में आप भाग ले रहे हैं, आपका इंडिविजुअल वहां पर परफॉर्मेंस आप कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है आपका टेस्ट, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इन साइंटिफिक टर्म, टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट और टूल्स टू यूज ऑब्टेन डाटा ऑन स्पेसिफिक ट्रेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल और ग्रुप। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्ट क्या एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, किसी प्रकार, जैसे आपके पास टेप है, ठीक है, तो टेप से आप क्या कर रहे हैं, आप किसी इंसान की हाइट माप रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेस्ट है वो क्या है, आपका, आपकी हाइट मापने का जो डाटा रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग टूल्स मानेंगे। तो उसके थ्रू क्या होगा, जो आपकी हाइट है उसको हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे एग्जाम अगले हम ले लेंगे, आपकी एग्जाम आने वाली है, ठीक है, वहां पर एग्जाम क्या है, आपका टेस्ट है ना, एग्जाम आपका टेस्ट है। उसके बाद क्या करेंगे, टेस्ट के बाद जो टीचर्स आपकी कॉपी चेक करेंगे, उसके बाद आपको मार्क्स देंगे, तो उसके आगे की प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर आपका जो टेस्ट है वो क्या, वो आपकी एग्जाम है ना। उसके बाद एग्जाम बदले हम लोग ले लेंगे, अगर आप 100 मीटर रेस में भाग ले रहे हैं, तो वहां पर जो आपका टेस्ट है वो क्या है, आपकी 100 मीटर रेस है। उसके बाद जो भी आपकी पोजीशन आएगी, जो भी टाइमिंग आएगी, वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर जो आपका टेस्ट है आपका क्या है, वो आपकी रेस है 100 मीटर। तो इस प्रकार एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। फॉर टेस्ट इट मे बी इन फॉर्म ऑफ स्केल, ठीक है, स्केल से हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज की लंबाई मापते हैं या तो हाइट मापते हैं। उसके बाद मेजरिंग टेप, मेजरिंग टेप से भी हम लोग जो लंबी लंबी डिस्टेंस रहेगी उसको हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। उसके बाद थर्मोमीटर, उससे हम लोग आपका जो टेम्परेचर है वो चेक करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग टेस्ट को डिफाइन कर रहे हैं, इट इज एन इंस्ट्रूमेंटल और टूल्स टू यूज ऑब्टेन डाटा स्पेसिफिक ट्रेंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप और पर्सन। ठीक है, द नेक्स्ट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट्स क्या है, अगर हमने आपका टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद उसका जो रिजल्ट होगा है ना, वो क्या आपका मेजरमेंट आएगा। जैसे मैं आपकी हाइट माप रहा हूँ, वहां पर हाइट माप रहा हूँ, लेकिन वो क्या आपका टेस्ट है, हाइट जितनी आपकी लेंथ आएगी, जितना उसका रिजल्ट आएगा, वो क्या है आपका मेजरमेंट है। देखेंगे यहाँ पर हम लोग, मेजरमेंट इज अ स्पेसिफिक स्कोप गिवन बाय एन एक्सपर्ट एवरी टाइम ऑन अप्लाइंग अ टेस्ट। जब भी आप टेस्ट देंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि आप, अगर आप 100 मीटर रेस में भाग ले रहे हैं, तो वहां पर 100 मीटर रेस आपकी क्या है, टेस्ट है। उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपकी मेजरिंग है, वहां पर आपकी जो भी पोजीशन आई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या तो फिर आपके वहां पर आपकी टाइमिंग को मेजर किया जा रहा है, तो वो क्या आपका मेजरमेंट है। इच स्कोर टेल्स अबाउट द यूज ऑफ अ टेस्ट, एवरी टाइम अ टेस्ट इज यूज्ड इट हैव इट स्कोर कॉल्ड मेजरमेंट। किसी भी चीज का हम लोग को स्कोर पता चल रहा है, जैसे आप पांच लोगों में दौड़ रहे, पांच में अगर आपका, आप लोग की पोजीशन फर्स्ट लगी, तो वो क्या आपका मेजरमेंट है, आपकी पोजीशन। जैसे आप पर, हम लोग यहां पर अभी किसी चीज की हाइट नाप रहे हैं, ठीक है, जैसे मेरी हाइट 5.5 है, ठीक है, तो ये हाइट माप रहा हूं, लेकिन जो 5.5 आ रहा है वो क्या मेरा मेजरमेंट है, वो मेरा रिजल्ट है ना। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो स्कोर निकला वो क्या है, मेजरमेंट है किसी भी चीज का। अगर एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल अपन लेंगे, अगर आपकी कोई एग्जाम आ रही है, ठीक है, फर्स्ट टर्म की एग्जाम आ रही है, उसमें आप लोग ने एग्जाम दी, ठीक है, वो आपका टेस्ट था, लेकिन एग्जाम के बाद जो आपका रिजल्ट आया, जो भी आपके मार्क्स आए, वो क्या आपका मेजरमेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। द नेक्स्ट इज इवेल्युएशन, टेस्ट एंड मेजरमेंट्स आर द प्रीक्रिसाइज फॉर इवेल्युएशन। The evaluation tells the worth or progress of the individual or group. अब evaluation में क्या है, आपने टेस्ट दिया, उसके बाद आपका मेजरमेंट, जो आपका रिजल्ट आया। अब evaluation में हम लोग क्या चीज समझने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो हुई या खत्म हो गई, ठीक है, आप में सुधार आया नहीं आया। जैसे आपने
एग्जाम दी, ठीक है, एग्जाम में आपने क्या किया, अच्छे मार्क्स आए आपके, पहले आपके 70% मार्क्स थे और अभी आपके कितने 80% मार्क्स हो गए, तो क्या होगा यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस हुई। तो इवैल्यूएशन आप करके देख सकते हैं कि मेरी जो लास्ट एग्जाम थी उसमें 70 थे और अभी क्या हो गया, मेरे जो मार्क्स है वो 80 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इवैल्यूएशन को समझ सकते हैं। एक और उदाहरण लेंगे हम लोग, अगर आप किसी रेस में भाग ले रहे हैं, है ना, आप रेस में भाग ले रहे हैं 100 मीटर 200 मीटर, एग्जाम्पल के लिए हम लोग 200 मीटर लेते हैं, उसमें आपकी जो आपने लास्ट परफॉर्मेंस दी होगी, लास्ट किसी कॉम्पिटिशन में भाग लिया होगा, वहां पर आपकी जो टाइमिंग थी वो 1 मिनट और 10 सेकंड थी, है ना। फिर उसके बाद अभी आपने लेटेस्ट में करंट में किसी कंपटीशन में भाग लिया, तो उसमें आपकी जो टाइमिंग थी वो क्या हो गई, 1 मिनट हो गई। तो इवैल्यूएशन में आपको पता चला कि जो आपकी टाइमिंग थी वो 10 सेकंड कम हो गई, मीन्स आप में इंप्रूवमेंट आया, आपने प्रोग्रेस हुई। तो इस प्रकार से हम लोग इवैल्यूएशन को समझ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, मोटर फिटनेस और खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट। ये फी में एक प्रकार का टेस्ट होता है फिजिकल एजुकेशन का, जो हमारा स्टैंडर्ड जो सिलेबस है उसमें, यहाँ पर 7 प्रकार के अलग अलग इवेंट्स हैं, उसमें हम लोग जो फर्स्ट ले रहे हैं 50 मीटर स्प्रिंट, ठीक है, जो 50 मीटर जो मोटर फिटनेस टेस्ट का जो फर्स्ट इवेंट है वो 50 मीटर स्प्रिंट। स्प्रिंट मीन्स आपको जो रनिंग है वो आपको फास्ट दौड़नी है, जितना आप तेज दौड़ सकते हैं उसमें क्या होगा आपकी जो टाइमिंग है वो मेजर की जाएगी। तो इसका जो स्टांस रहता है वो स्टैंडिंग रहता है, आपको जो रेस है वो दौड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, खड़े होकर आप लोग उसका स्टांस लेते हैं। उसका हम लोग प्रोसीजर देखते हैं। द टेस्ट इन्वॉल्व्स रनिंग इन अ सिंगल मैक्सिमम स्प्रिंट ओवर 50 मीटर्स विद द टाइमिंग रिकॉर्डेड। अब यहां पर क्या है, जो 50 मीटर आपकी रेस है, ठीक है, उसमें आपको 50 मीटर रेस में आपको उतना फास्ट दौड़ना है जितना आप दौड़ सकते हैं, जितना आप तेज दौड़ेंगे उतनी आपकी जो टाइमिंग है वो कम होगी। स्टार्ट फ्रॉम अ स्टेशनरी स्टैंडिंग पोजिशन विथ 1 foot इन फ्रंट ऑफ द अदर, द फ्रंट फुट मस्ट बी बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन। जो आपका 50 मीटर डैश स्टार्ट होगा, आपको एक लाइन बना दी जाएगी नीचे, तो आपको क्या करना है, जो पैर है वो लाइन के पीछे रखना है, एक पैर आपका आगे रहेगा और एक पैर आपका होगा पीछे होगा। तो इस प्रकार से आपको स्टांस लेना है। वंस द सब्जेक्ट इज रेडी द स्टार्टर गिव्स द इंस्ट्रक्शन सेट देन गो, पार्टिसिपेंट शुड बी इनकरेज टू नॉट स्लो डाउन बिफोर क्रॉसिंग द लाइन। आपको जब तक आपकी फिनिशिंग लाइन आप क्रॉस नहीं कर रहे तब तक आपको स्लो नहीं दौड़ना है, ठीक है, आपको एज मच एज यू कैन रन फास्ट, आप जितना तेज दौड़ सकते हैं जब तक आपकी जो फिनिशिंग लाइन है वो नहीं आ रही, है ना। तो आपको 50 मीटर डैश में इतना फास्ट दौड़ना जितना आप दौड़ सकते हैं, वहां पर आपकी जितनी टाइमिंग कम होगी उतना आपका फायदा होगा, उतना आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसका हम लोग स्कोरिंग देखते हैं। टाइम टेक टू कवर 50 मीटर डिस्टेंस इज एक्सटेंड इन सेकेंड, जो आपकी टाइमिंग है वो सेकेंड में आएगी, जितनी सेकंड आप कम जितनी टाइमिंग आपकी कम होगी उतनी आपकी पोजीशन अच्छी होने के चांसेस हैं। तो ये आपका फर्स्ट टेस्ट था, ये उसका फोटो है, आप लोग को जो स्टांस लेना वो खड़े होकर लेना है, ठीक है, 50 मीटर डैश में। नेक्स्ट है 600 मीटर वॉक और रन। जो 600 मीटर है वो जो कैंडिडेट स्टूडेंट्स रहता है वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो वॉक भी कर सकता है और रन भी कर सकता है। अब वॉक करने वाले को जो उसका टाइमिंग होगा वो अधिक होगा तो क्या होगा, उसको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जो रन करेगा जितनी उसकी टाइमिंग कम होगी उतना उसको फायदा होगा। यहाँ पर हम उसका प्रोसीजर देखेंगे। 600 मीटर वॉक एंड रन कैन बी ऑर्गेनाइज ऑन ट्रैक, सब्जेक्ट रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर। 600 मीटर में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 600 मीटर है, वो अदर ट्रैक पे भी हो सकता है और दूसरी जगह पे भी हम लोग उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। द सब्जेक्ट टेक द स्टार्ट स्टैंडिंग स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन, द सब्जेक्ट में वॉक इन बिटवीन। अगर आप 600 मीटर रनिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसमें आप रन भी कर सकते हैं, जहां आपको लग रहा है कि मैं दौड़ नहीं सकता तो क्या कर सकता, आपको वॉक करना है लेकिन रुकना नहीं है। However, the subjective is to cover the distance in the shortest time. When he crosses the finish line, he or she is firm of his timing. अब यहाँ पर जैसे आपकी जो रेस है वो खत्म होगी, आपने स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट क्रॉस किया, तो वहां पर आपकी जो मेजरमेंट की चीज होगा टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको पोजीशन दी जाएगी। यहाँ पर फोटो देखो आप, ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट जिसने जल्दी फिनिश किया उसकी फर्स्ट रैंक, देन सेकेंड, थर्ड, और जो वॉक कर रहे होंगे उनकी रैंक बहुत ज्यादा होगी।
नेक्स्ट इज स्टैंडिंग बोर्ड जंप टेस्ट। अब स्टैंडिंग बोर्ड जंप टेस्ट में पहले आप फोटो देखेंगे, आपको फोटो के थ्रू समझा देता हूँ। यहाँ पर एक नीचे लाइन होगी फ्लोर पे, उस लाइन के पीछे आपको खड़ा होना है। उसके बाद आपको धीरे से जो आपके नीज है उसको स्लाइडली बेंड करना है। बेंड करने के बाद जो आपके हैंड है उसको स्विंग करके आपको स्टांस लेना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे स्टांस लिया, इसमें आपकी जो स्ट्रेंथ है वो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ लगेगी। उसमें क्या आपको एक बार में जितनी आपकी ताकत है पूरी ताकत लगा के आपको जंप करना है, जितना डिस्टेंस आप कवर कर सकते हैं उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। इसका प्रोसीजर देखेंगे, अ टेक ऑफ लाइन इज मार्क ऑन द ग्राउंड, सब्जेक्ट स्टैंड जस्ट बिहाइंड द लाइन, टेक ऑफ लाइन विद द फीट 7 inches अपार्ट। जो आपके लेग्स है वो क्या होंगे, थोड़े से खुले होंगे। जैसे आप स्टांस लेंगे लेग आपके थोड़े से खुले होंगे, और जो आपके नीज है वो हल्के से बेंड होंगे, हैंड आपके स्विंग होंगे, जिससे आपको फोर्स मिले, आपको स्ट्रेंथ मिले, ताकत मिले, ताकि आप अधिक से अधिक डिस्टेंस कवर कर सके। द सब्जेक्ट स्विंग द आर्म एंड बेंड द नीज टू टेक अ जंप इन द लॉन्ग जंप पीट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो नीज है वो स्लाइडली बेंड होंगे, जो आपके हैंड्स है वो स्विंग होंगे, ताकि आप जो उसका स्टेंस जो उसका स्टांस है वो अच्छी तरह से लेके उसको अधिक से अधिक डिस्टेंस कवर कर सके। द हील और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी डेट टचेस द ग्राउंड नियरेस्ट ऑफ टेक ऑफ लाइन, ऑल जंप्स आर मेजर एंड द बेस्ट वंस इज रिकॉर्डेड। इसमें आपको बोर्ड जंप स्टैंडिंग बोर्ड जंप पे आपको तीन चांस मिलेंगे। तीन चांस में से आपके जिसका भी जिस भी जंप का जो बेस्ट डिस्टेंस होगा वो इसमें मार्क किया जाता है। स्कोरिंग द स्कोर इज द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर इन इन एनी वन ऑफ द थ्री अटेम्प्ट। आपको थ्री अटेम्प्ट में से जितने तीन चांस मिले उसमें से आपका जो बेस्ट रहेगा उसको हम लोग जो आपका मेजरमेंट है उसको हम लोग नोट करेंगे। उसके बाद शटल रन, शटल रन में मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर आपका जो स्टार्टिंग लाइन रहेगा उसके पीछे आप खड़े रहेंगे, आपके पास एक छोटा सा वुडन का टुकड़ा या एक छोटा सा डंबल टाइप होगा लकड़ी का, वो 10 मीटर यहाँ से स्टार्टिंग बॉल जो एंडिंग पॉइंट है वहां पर रखा होता है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं वहां पर लकड़ी का एक ऑब्जेक्ट रखा है। आपको क्या करना है, 40 मीटर रन करना है। आपको एक बार में जाना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लेके आना है, रखना है, देन अगेन गो, देन अगेन कम बैक। तो 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी जो 40 मीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर होगी। जो डिस्टेंस होगा वो कितना होता है, 10 मीटर का होता है। यहाँ पर दो वुडन ऑब्जेक्ट रखे होंगे जिसको आपको एक बार में उठा के एक लाना रखना है, फिर से लाना है, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को लाके फिर से रखना। तो ये आपकी फिनिश लाइन भी इधर ही होगी। तो इस प्रकार से आप डायग्राम में देख के समझ सकते हैं। यहाँ पर उसका प्रोसीजर देखेंगे हम लोग। इसका जो पर्पस है, टू मेजर स्पीड एंड एजिलिटी। प्रोसीजर, टू पैरेलल लाइंस आर मार्क्ड 10 मीटर्स अबाउट वुडन ब्लॉक। जैसे मैंने आपको बोला कि लकड़ी का कुछ भी एक टुकड़ा या उसका डंबल या कुछ भी प्रकार का एक ऑब्जेक्ट रहेगा वो जो लाइन के दूसरे साइड में रहेगा। द स्टूडेंट स्टार्ट अपोजिट लाइन, अपोजिट टू द लाइन वेयर वुडन ब्लॉक आर प्लेस, ठीक है। जो आपका वुडन का जो लकड़ी का पीस है या वुडन पीस है वो उसके अपोजिट आप खड़े रहेंगे, जहां पर है वहां पर नहीं, उसके अपोजिट साइड में। द प्लेस ऑफ ब्लॉक ऑन द लाइन फ्रॉम द वेयर ही स्टार्ट, द स्टूडेंट कंटिन्यूस टू रन एंड सिमिलर लिफ्ट द अदर ब्लॉक्स एंड प्लेस एट स्टार्टिंग लाइन। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपको रन करना है, जो वुडन का जो ब्लॉक होगा जो भी पीस होगा उसको उठा के यहाँ पर रखना है, फिर से आपको जाना और फिर से आपको रखना, आपको दो बार आना जाना है। तो इस प्रकार से जो शटल रन का जो प्रोसीजर वो इस प्रकार से होता है। स्कोरिंग, द स्कोर इज ईच लैप टाइम फॉर कंप्लीट ट्रायल। जितनी आपकी लैप से जितनी दोनों जो लैप्स आप जितनी कम टाइम में उसको कवर करोगे उतने आपको ज्यादा स्कोर मिलेगा। यहां पर जो हमारा नेक्स्ट है सीट एंड रीच टेस्ट, ठीक है। यहां पर क्या होगा, आपको बैठना है, एक लकड़ी का बॉक्स होगा, वहां पर अलग अलग प्रकार की मार्किंग होगी। अब यहाँ पर जो आपकी बैक है उसके थ्रू आपको जो आपके पैर है वो अंदर रहेंगे। यहाँ पर हम लोग प्रोसीजर देखेंगे, टू स्टार्ट इन्वॉल्व सिटिंग ऑन द फ्लोर विथ लेग स्ट्रेच आउट स्ट्रेट अहेड, शूज शुड बी रिमूव्ड, द सोल ऑफ द फीट आर प्लेस्ड फ्लैट अगेंस्ट द बॉक्स। जो आपके पैर हैं वो बॉक्स के अगेंस्ट रहेंगे, उसको पुश करेगा। उसके बाद द स्टार्टर मे असिस्ट द होल्डिंग देम डाउन विद द पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड,
द हैंड्स ऑन द टॉप ऑफ इच अदर और साइड बाय साइड, जो आपके हैंड्स एक के ऊपर एक भी हो सकते हैं या तो फिर यहाँ पर साइड बाय साइड भी आप उसको रख सकते हैं। After some practice, reach the object is same level not or once reaching further forward than the others. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाना है। धीरे धीरे करके आप एकदम से तो नहीं, लेकिन धीरे 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 करके, क्योंकि ये आपकी जो बैक की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उस पर आपको लोड आएगा। जी अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप उतना डिस्टेंस उतने ज़्यादा आगे आप जा सकते हैं। After some practice reaches, the subject reach out and hold the position for at once 2 seconds while the distance is recorded. अब इसमें क्या है, जैसा आपका ये मैक्सिमम है तो वहां पर आपको क्या करना है, 2-3 सेकेंड होल्ड करना है। जो एग्जामिनर रहेगा या जो भी आपको ऑब्जर्व कर रहा है वो आपका जो डिस्टेंस है वो नोट कर सके, इसलिए आपको 2-3 सेकेंड वहीं पर होल्ड करना है। तो इस प्रकार से आपका ये सीट एंड रीच टेस्ट होता है। आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो, यहाँ पर जो प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, इसमें भी जो आपका स्कोरिंग है, जितना अधिक आप डिस्टेंस जितना आगे जाएंगे उतना आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट इज पेटियल का, ठीक है, यहाँ पर क्या है, डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी आपका स्टांस रहेगा, ठीक है, जो आपकी फ्लोर है वहां पर इस प्रकार की लाइनिंग रहेगी। अब यहां से लेट के जैसे आपके हाथ है वो आप इस प्रकार से नीचे ले जाएंगे, आपको ऊपर आना है, उसके बाद जो लाइन है उसको क्रॉस करके वापस नीचे जाना है। तो इस प्रकार से आपका पैरेलल कर्व अप होता है। प्रोसीजर इसका देखेंगे, द स्टार्टिंग पोजिशन इन इज ऑन इज लाइंग ऑन द बैक विद नीज फ्लेक्स। यहाँ पर क्या, जो स्टार्टिंग पॉइंट आप देख सकते हैं कि आपको पीठ के बल लेटना है, जो आपके नीज है वो बेंड होंगे स्लाइडली। द फीट कैनॉट बी होल्ड और रेस्ट अगेंस्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, द आर्म्स आर एक्सटेंड एंड आर रेस्टेड ऑन द थाई, ठीक है, जो आपकी थाई है इस प्रकार से रेस्ट में रहेगी। द ऑब्जेक्ट रोल अप विद अ स्लो कंट्रोल मूवमेंट अंटिल द स्टूडेंट्स शोल्डर कम्स ऑफ मेड टू लाइन्स। अब यहाँ पर जो आप देख सकते हैं दो लाइन्स है, इस लाइन को जब तक वो क्रॉस नहीं कर दे उतना ऊपर आपको आना है। अगर आप जब तक क्रॉस नहीं करेंगे तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, जो आपकी मार्किंग होगी वो नहीं होगी। देयर इज अ पोज इन द अप और डाउन पोजिशन, द क्रॉल्स अप शुड बी कंटिन्यूस विद द एब्डोमिनल मसल्स इंगेज थ्रू आउट। अब यहां पर क्या है, जैसे आपको मैं बता दूं, ये आपकी लाइन पोजीशन है, उसके बाद आपको जो आपकी बैक है, जो आपकी कमर है वहां से आपको उठना है, उसके बाद जो आपके हैंड्स है इस प्रकार से ट्रोल होंगे, जो सेकेंड लाइन है उसको आपको क्रॉस करना है। तो इस प्रकार से इसका प्रोसीजर है। स्कोरिंग हम लोग देखेंगे, रिकॉर्ड द टोटल नंबर ऑफ क्रॉल्स अप, ओनली करेक्ट परफॉर्म क्रॉल्स अप शुड बी काउंटेड। अब यहाँ पर करेक्ट के मतलब क्या, अगर आपका आप ये लाइन को क्रॉल करके क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, वो आपका काउंट नहीं होगा, वो आपका करेक्टली जो पेटिकुलर क्रॉस अब है वो कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, इस लाइन को क्रॉस करना है, तभी आपका जो सीटअप है वो काउंट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा पेटिकुलर क्रॉस अब था वो होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, पुशअप फॉर बॉयज एंड मॉडिफाई पुशअप फॉर गर्ल्स। यहाँ पर जो पुशअप्स है वो अलग अलग प्रकार के हैं। नॉर्मली जो पुशअप्स है बॉयज के लिए इस प्रकार से जो आप लोग करते होंगे, लेकिन उसका प्रोसीजर मैं बताऊंगा। और जो मॉडिफाइड पुशअप्स है वो गर्ल्स के लिए, प्रोसीजर सेम है लेकिन गर्ल्स क्या करते हैं, जो अपने नीज है उसको ग्राउंड पे टच करते हैं, और जो मेंस के जो पुशअप है उसमें उनकी जो बॉडी है वो स्ट्रेट रहती है, उनकी जो नीज है वो टच नहीं होती। लेकिन मॉडिफाइड पुशअप में जो गर्ल्स के नीज है वो नीचे ग्राउंड पे फ्लोर पे टच होते हैं। आफ्टर वार्मिंग अप दिस टेस्ट परफॉर्म स्टैंडर्ड पुशअप being with the hands and toes touching the floor, the body and legs in straight line, feet slightly apart, जो आपके पैर हैं वो थोड़े से खुले होंगे, जो फीट है उसको थोड़ा सा खोलना है, फीट अपार्ट रहेगा, जो आपकी बॉडी है उस प्रकार से फ्लैट रहेगी। देन कीपिंग द बैक एंड नीज स्ट्रेट, जो आपकी बैक है और जो नीज है वो आपको स्ट्रेट रखना है, तभी आपका जो पुशअप है वो काउंट होगा। देन मॉडिफाइड पुशअप में क्या है, मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स द नीज टच द फ्लोर। जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडिफाइड पुशअप में जो गर्ल्स के जो नीज है वो फ्लोर पे टच होंगे। दिस एक्शन इज रिपीटेड एंड टेस्ट कंटिन्यूस अंटिल एक्सॉम्प्शन और अंटिल
दे कैन डू नो मोर इन रिदम और हैव रीच द टारगेट नंबर ऑफ पुशअप। आपको जब तक नहीं रुकना है जो आपके मॉडिफाइड पुशअप है, जब तक अगर आपको बोला गया कि आपको 20 पुशअप लगाने हैं, अगर आपका टारगेट जब तक कंप्लीट नहीं होना है तब तक आपको कंटिन्यू रखना है। इन द अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, या तो आपकी कुछ मसल्स चिपक गए या कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स हो गई, उस केस में आप नहीं करोगे, लेकिन अगर आपको टारगेट दिया, अगर जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक आपको इसको कंटिन्यू रखना है। हे रीच द टारगेट नंबर ऑफ द पुशअप, ठीक है, जब तक आपका जो टारगेट है कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक आपको कंटिन्यू रखना है। इसका जो स्कोरिंग है, रिकॉर्ड द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट कंप्लीट पुशअप। जैसे मैंने आपको बोला कि जो आपकी पोजीशन है वो सही होनी चाहिए, जो बैक है, जो आपके जो नीस है वो बेंड नहीं होनी चाहिए, उसी प्रकार से आपके जो पुशअप अगर सही किए वही काउंट होंगे, जो सही नहीं किए आपके वो काउंट नहीं होंगे। अगर आपने सही नहीं किए तो क्या होगा, आपको उतने कम मार्क्स मिलेंगे। सो इस प्रकार से जो हमारी आज की 6 मिनट की जो फर्स्ट क्लास है यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो आगे के टॉपिक्स हैं, जो भी और टेस्ट है, उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।